हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th चैप्टर 1 द लास्ट लेसन इज रिटन बाय अल्फांस डॉडेट। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसी कारण आप सभी विद्यार्थियों का पढ़ाई सही पूर्वक नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चैप्टर 1 का पूरा समरी आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखे होंगे और मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का बताने जा रहा हूँ। दो दो क्वेश्चन एवरीडे मैं बताऊँगा, उस क्वेश्चन आंसर को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। कोई भी तरह का दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए या तो कॉल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज एमएमएल? एमएमएल कौन थे? ही वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, वह फ्रांसीसी भाषा के शिक्षक थे इन द स्कूल्स ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन। अल्जैक और लॉरेन के विद्यालयों में, अल्जैक और लॉरेन फ्रांसीसी डिस्ट्रिक्ट का नेम है। Where he had been teaching for the last 40 years, जो कि पिछले 40 वर्षों से वहाँ पढ़ा रहे थे। He was a strict teacher, वह एक strict teacher थे। Who used to keep terrible iron ruler, वो हमेशा terrible iron ruler का प्रयोग करते थे और अपने हाथों में रखे रहते थे। Ruler in his hand, he was very popular among his students and villagers, वो अपने विद्यार्थियों के बीच और विलेजर्स के बीच बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिनों से पढ़ा रहे थे अल्जैक एंड लॉरेन के विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फ्रेंच? फ्रेंच कौन था? आंसर देखिए, ही वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, या जो स्टोरी है द लास्ट लेसन उस चैप्टर का नरेटर भी है। ही वाज ए लिटिल बॉय, वह एक छोटा लड़का है। हु वॉज द स्टूडेंट ऑफ एम एम एल, वह स्टूडेंट है किनका? एम एम एल का। ही यूज टू अवॉइड, वह हमेशा प्रयोग करता था बचने का, अवॉइड स्कूल, स्कूल से बचने का, स्कूल से दूर रहने का, एंड हिज टीचर एम एम एल, और अपने शिक्षक एम एम एल से। मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।